हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गोट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो अपना क्वेश्चंस रहेगा, 16वां क्वेश्चंस रहेगा। लगातार क्लासेस देखते रहिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें रिस्पॉन्स मिलेगा कि हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आए या ना आए, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, तो सिलेबस अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस इनसे अलग नहीं आएगा, ये आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है जो कि 16वें नंबर का रहेगा, जो कि चौथा चैप्टर चल रहा है। जब एक समकोणीय त्रिभुज अपनी एक भुजा पर घूमता है तो इसके द्वारा बनने वाली आकृति का नाम बताइए। आप ये ध्यान रखना, समकोणीय त्रिभुज कौन सा है? समकोण यानी कि समान कोण वाला त्रिभुज है। अपने एक भुजा पर घूमता है यानी कि यह त्रिभुज है, यह राउंड कर रहा है इससे इस ओर, इस तरीके से, और घूमता हुआ इधर से इधर की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से जब घूमता है ना एक ही दूरी पर, तो वह कौन सी आकृति बनाता है? तो वह बनाता है शंकु की आकृति, त्रिशंकु की आकृति बनाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वह है निम्न में से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है? यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज बताना है। देखिए, त्रिभुज को देखिए, इस कोण को देखने पर आपको पता चल रहा होगा ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, यानी कि तो ये भी क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये ध्यान रखना, इसमें भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, तो ये भी एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये सेम है तो ये भी न्यून कोण त्रिभुज होगा। लेकिन जब आप इस डी ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें जो ये एक कोण है ना, यह जो है ना, ये 90 डिग्री से अधिक है, ठीक है। ये जो है ना, ये 180 डिग्री से सॉरी 90 डिग्री से अधिक है। बाकी ये तो न्यून है, लेकिन एक क्या है, ये वाला कोण 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से जब अधिक होता है एक कोण भी किसी त्रिभुज में, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ध्यान रखना हमेशा, अगर एक कोण भी 90 डिग्री से अधिक है त्रिभुज के अंदर, तो वह क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज में होते क्या है, तीन कोण बराबर होते हैं, तीनों बराबर भुजाएं होती है, तीनों असमान भुजाएं होती हैं, या दो बराबर भुजाएं होती हैं। तो दो बराबर भुजाएं जिसमें होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये ध्यान रखना, तीन बराबर जब भुजाएं होती हैं तो यह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज, जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यह भी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यह भी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और तीन असमान जो भुजाएं होगी वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। ये ध्यान रखना, विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि अपना जो यहाँ पर से जो आंसर निकल के आएगा वह आएगा सी ऑप्शन, कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, वह समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी अपन ने ट्राई चर्चा कर ली है। अगला जो क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके तीन कोण 90 डिग्री से कम व न्यून कोण कहलाएगा, यह भी अपन ने अभी चर्चा कर ली है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है बस। चित्र में दिखाए गए त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज को नाम बताना है किस आधार पर, ये कोण देखकर। तीनों कोण न्यून कोण आपको नजर आ रहे हैं, न्यून कोण क्या होते हैं, 0 से 90 के बीच वाले कोण न्यून कोण कहलाते हैं। तो तीनों कोण न्यून कोण है, उसी के साथ न्यून कोण त्रिभुज यहाँ पर शब्द नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण तो इसमें से एक भी नहीं है, तो ये सिद्ध होगा नहीं। समबाहु त्रिभुज समान भुजा ये हो है, दिख नहीं रही, तो ये भी नहीं होगा। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं, दोनों भुजाएं भी बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग अपन को दिख रही हैं, तो ये क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न चित्र में किस प्रकार का त्रिभुज दर्शाया गया है। यहाँ पर ये जो आपको निशान नजर आ रहा है ना, ये समानता के, यानी कि इस रेखा के समान ये रेखा है और इन दोनों के समान ये रेखा है, तो यानी कि यह समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समान भुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज कब होता है, जब इसमें से एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जब दो भुजाएं बराबर होती। और अधिक कोण कब होता है, जब इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक वाला होता है ना, ये भी आप ध्यान रखते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि है निम्न में से समलंब चतुर्भुज की पहचान कीजिए। समलंब चतुर्भुज की पहचान करनी है, तो ये संभव है, सी वाला, ये भी संभव है, ये वर्ग है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये समलंब है, क्योंकि यहाँ पर लंब डाला गया है, समान लंब वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो कि है समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज यानी कि ये जो चतुर्भुज है, यह समांतर चतुर्भुज है, तो इनके जो विपरीत कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला, इसका ये वाला, तो इसका जो है ना, इसका जो ये क्या होगा, समान होगा, और इसका ये जो होगा, ये समान होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये 90 क्या, ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इस तरीके से ध्यान रखना, तो ये क्या होंगे, समान होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने 25 नंबर, जो कि है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो वह समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है एक सूक्ष्म बोर्ड अथवा चौक बोर्ड किस आकृति का होता है। एक सूक्ष्म बोर्ड अथवा चौक बोर्ड किस आकृति का होता है, तो यह समांतर चतुर्भुज का होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, त्रिभुज का 180 होता है और चतुर्भुज का 360 होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है वह चतुर्भुज जिसकी दोनों विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर हैं और चारों कोण समकोण है कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह आयत कहलाता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समकोण होते हैं चारों कोण, ये तो अपन ने 10वीं क्लास में पढ़ा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में सम चतुर्भुज की पहचान कीजिए। देखिए सम चतुर्भुज की पहचान करनी है अपन को, तो सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये विकर्ण 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 सारे बराबर हैं, इस तरीके से ये बी वाला ही क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा, ये सम चतुर्भुज नहीं है, ये त्रिभुज है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने आज के भी 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। लगातार जुड़े रहिएगा, लगातार वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम होने से पहले अपन इनका रिवीजन भी कर लेंगे, तो लगातार अभ्यास करते रहेगा, ठीक है। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।